सो गाइज अब मैं आपको फाइनल आउटपुट दिखाने वाला हूँ। 3, 2, 1 सो हे गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। फाइनली यार मेरी ग्रैंड विटारा पे इतने दिनों से जो मैं मॉड प्लान कर रहा था आज फाइनली कराने जा रहे हैं। मोहित भैया मेरे साथ है, आज पूरा काम करा के ही आएंगे। अब जैसा कि थंबनेल टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा ग्रिल कराने वाले। अब पहले तो मैंने सोचा था कि यार रैप कराऊंगा, बट फिर दो तीन जो मेरे पहचान वाले उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि यार रैप इतने अच्छे से पकड़ नहीं करेगा क्रोम पे, उससे बेटर है कि पेंट कराओ। तो मैंने भी सोचा यार पेंट कराना ही बेटर रहेगा, बिकॉज क्रोम तो मेरे को फ्रंट ग्रिल का अच्छा ही नहीं लग रहा, जैसा कि आप अभी बिफोर एंड आफ्टर वाली क्लिप्स तो मैं आपको भी बताऊंगा ही। और सबसे अच्छी चीज ये है कि यार हम जा रहे हैं शोरूम पे ही कराने के लिए काम। मैंने बात तो कर रखी है शोरूम पे, क्या कुछ कॉस्टिंग आती है, कैसी क्या प्रोसेस रहने वाली है, सारी बातें करेंगे। सो अभी तो यार गाइज यहाँ से निकलते हैं, चलते हैं जल्दी से डीलरशिप। एंड मेन चीज क्या है, जैसा कि हर मारुति सुजुकी के शोरूम में बॉडी शॉप रहता ही है, पेंट शॉप क्या बोलते हैं, बॉडी शॉप रहता ही है वहाँ पर, जहाँ डेंटिंग पेंटिंग एंड सारा काम होता है। तो मैंने वहाँ पर बात कर ली है। तो देखो शोरूम में ही काम हो रहा है तो एक ट्रस्टेड चीज रहती है, बिकॉज ग्रिल वगैरह भी खुलवानी पड़ेगी तो खुल के एक प्रॉपर काम होगा। तो अगर आप ज्यादा भी पे कर रहे हो और क्वालिटी चीज मिल रही है तो वो चीज फिर काफी वर्थ रहने वाली है। जो जो आप सब मुझे मॉड्स रिकमेंड कर रहे थे मैं धीरे धीरे कराने की कोशिश कर रहा हूँ। सो ये नेक्स्ट डे वीडियो शूट हो रही है, जैसा कि आप ही मेरे हाथ में स्प्रे देख रहे होंगे। पूरा सीन मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि कल हम शोरूम गए, सबने बोल दिया था कि कलर हो जाएगा, बट जब हमने पेंटर को दिखाई वहाँ के बॉडी शॉप के और सारा सीन समझा तो उन्होंने यही बोला कि यार देखो कुछ जेन्युइनली बताना चाहूंगा कि आप कलर उस पर करोगे तो 8-10 दिन में निकल जाएगा, क्रोम पे कलर इजिली होता ही नहीं है। फिर हम मेरा फ्रेंड जो शूट कर रहा है उसके एक परिचित के पेंट शॉप पे गए, वहाँ पर उसने बोला कि मैं यार 3,500 से 4,000 रुपये लूंगा, बट प्रॉपर उस पर मैं सैंडिंग करूंगा, देन पूरी प्रोसेस रहेगी कलर की। तो मैंने बोला कि यार ये क्रोम ग्रिल के लिए इतने पैसे देना तो वर्थ नहीं है, बिकॉज अभी देखो मैं पूरी क्लीन करके लाया हूँ ना, आज हम पर्सनली खुद पेंट करने वाले हैं। बिकॉज देखो बहुत लोगों ने बोला कि हम फिर रबिंग करके क्या बोलते हैं उसको थोड़ा खुरदुड़ा करके हम कर तो देंगे, बट अगर गलती से कलर छूटता है तो आपके जो ओरिजिनल क्रोम है ना उसकी भी वाट लग जाएगी। तो फिर फाइनली हमने यही प्लान करा कि इस पे हम ये टेम्पररी स्प्रे करेंगे, जैसा कि मैं लेकर आया हूँ। ये आपको नियर बाय कहीं भी टाटो पार्ट्स की दुकान रहेगी आपकी स्टेट में तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, 150 से 200 रुपीस का आता है। और इसको हम प्रॉपर आज टेप लगा के करने वाले हैं। और एक खास चीज़ ये रहेगी, वैसे तो निकलेगा नहीं है बट निकालना रहेगा तो आप इजीली अपने पेट्रोल से या किसी केमिकल से निकाल सकते हो, तो हमारे ओरिजिनल क्रोम को भी कुछ नहीं होने वाला है। सारी प्रोसेस बताऊंगा, रिजल्ट मुझे भी नहीं पता है बिकॉज अभी तक मैंने भी ट्राई नहीं करा है, तो क्या पूरी प्रोसेस रहती है एंड तक जरूर देखना, करके ही मानेंगे ब्लैक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये रहे न्यूज़पेपर, ये रहा हमारा कलर, हमने टेप भी लिया था शायद, यहाँ पर कैची भी है। क्या क्या करने वाले हैं, सबसे पहले क्या करने वाले हैं ये बताओ। पहले अपन पेपर पर लगाएंगे और काट वाट से कटिंग करके टेप लगा के अपन सबसे पहले तो यार हमें ये चीज करनी है कि यहाँ पर आप देख सकते हो बॉर्डर, ये जो बॉर्डर से हमें अच्छे से कवर करनी है, बिकॉज मेन चीज ये कि हमारा जो कलर है मेन वो डैमेज नहीं होना चाहिए, ये हमें प्रॉपर कवर करना है और बहुत बारीकी से करना रहेगा। हालांकि पहले हम कवर करते हैं, पूरी प्रोसेस बताएंगे और सबसे पहले स्टार्ट ही लोगों से करेंगे, फिर कलर भी बताऊंगा। इसमें भी दो चॉइसेस थी हमारे पास, ग्लॉसी था और फिर हमारे पास मैट था, बट जैसा कि आप मेरा रूफ देख सकते हो ग्लॉसी है, यहाँ पर ये इंसर्ट्स देख सकते हो हेडलैम्प पे, ये भी ग्लॉसी है, तो फिर फाइनली मैंने ग्लॉसी चूज करा। सबसे पहले हम टेपिंग करने वाले हैं, स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। पहले तो जो बॉर्डर से हम ये कवर करेंगे जैसा कि आप देख सकते हो, और ये एजेस से प्रॉपर टेप लगाएंगे। आपको वीडियो स्किप कर करके बताऊंगा, बट आप देख सकते हो प्रोसेस बहुत ही लंबी रहने वाली है। अभी यहाँ पर बारीकी से हम पूरी टेपिंग कर रहे हैं, इसलिए यार गाइस वीडियो पर बने रहना, बिकॉज स्पेशली आपके लिए मैं ही कर रहा हूँ और मुझे भी वैसे तो लुक चाहिए ये वाला ब्लैक। सो हमारे जस्सी भाई पीपीएफ जैसे कार्ड को चला रहे हैं। एंड ये टेप अपन ने कौन सी खरीदी थी? एब्रो टेप। ये एब्रो टेप आपको कौन सी भी फर्नीचर हार्डवेयर की शॉप्स पे मिल जाएगी। बहुत टाइम लग रही है यार प्रोसेस में, अभी देखो आधा है पूरा कवर कर लिया है हमने, पूरी ग्रिल कवर करेंगे उसके बाद अभी न्यूज़पेपर भी लगाना है, बट जो लुक आएगा ना उसके बाद सिर्फ उसी चीज़ के लिए आप वीडियो पर बने रहना है, प्लीज़ स्किप मत करना। मैं भी यही कोशिश करूँगा 8 से 10 मिनट की वीडियो रखूँ, उससे लंबी नहीं रहेगी वीडियो। देख सकते हो यार इन चीज़ों में मन काफ़ी लगता है। ये पूरी हमने एजेस आपको प्रॉपर दिखा रहा हूँ, अभी पूरा काम होने के बाद दिखाऊंगा, बाकी थोड़ी थोड़ी प्रोसेस थोड़े थोड़े टाइम में दिखा रहा हूँ। ये कवर करना है, अपर करना है, देन पूरा कंप्लीट हो जाएगा काम। ये इतना परफेक्शन से हो रहा है ना, आप खुद देख सकते हो, हमें लगा था काफ़ी टाइम लगेगा बट बहुत जल्दी जल्दी काम हो रहा है, बिकॉज हम तीनों लोग कर रहे हैं यहाँ पर। इधर लगाना आएगा
उन आधा घंटा हो गया हमें यहाँ आकर, हम तीन लोग काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो टेपिंग करी पहले हमने, देन पूरे न्यूज़पेपर से कवर कर लिया एरिया। अब देखो इस ग्रिल पे भी हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बट ये तो वैसे ब्लैक ही है। हमारा जो मेन बम्पर था, बोनेट तो हमने ऊपर ही कर दिया, अमन ने बोला बोनेट ऊपर ही रख दो तो सबसे बढ़िया चीज़ है। फाइनली इतनी मेहनत के बाद पूरा हमने कवर कर दिया। आप देख सकते हो फ्रंट की जो पियानो ब्लैक ग्रिल थी वो भी कवर कर दी है, सिर्फ क्रोम पार्ट हमारा यहाँ पर बाहर है। सुल्तान कर दो चढ़ाई। तो गाइस देख सकते हो अभी थोड़ा सा करा है यहाँ पर, लुक देखो यार कितना प्यार आ रहा है। और मेन चीज मैं आपको ये रिकमेंड करना चाहूंगा, आप रुक रुक के करो, कलर को थोड़ा सूखने दो तो ज्यादा अच्छे से अप्लाई हो पाएगा। पास से करो, अच्छा हो रहा है यार। ठीक ही हो रहा है। कोई नहीं, कम भी पड़ जाएगा देखो, ले आएंगे। पर अच्छा होना चाहिए बस। जाएंगे ऐसे लेके जाएंगे अपन तो। अभी तो होगा यार। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, रिजल्ट कैसा भी रहे करने में इतना मजा आ रहा है ना, सच में सेटिस्फेक्शन इतना मिलता है, इसलिए यार ये पार्ट आप स्किप मत करना। अभी लुक्स चेकआउट करो, आधे ही हुए हैं। इसके बाद हम एक और हाथ लगाएंगे इस पे। Let's take it slow, where you go I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's... अभी यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो चुका है। कैसा लग रहा है वाकी? बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। और हमने इतने प्रोफेशनली करा है ना, अगर हम शोरूम पे आके भी करवाते ना तो इतना मजा नहीं आता, बट इसको देख के इतना अच्छा लगा। एक नया एक्सपीरियंस था भाई, कैसा लगा? अरे मजा आ गया। बट मेन चीज अब आती है यार इसके स्टिकर रिमूव करने की। अब जो व्हाइट पे ब्लैक कॉम्बिनेशन देखने को मिलने वाला है, फाइनली अब रिमूव कर लेते हैं। तब मैं आपको फाइनल आउटपुट दिखाने वाला हूँ। 3, 2, 1 एंड गाइस देखिए क्या ही तो लुक आ रहा है यार वाकई में। मतलब हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था ये आउटपुट आएगा। क्या लग रही है गाड़ी। अभी सिनेमैटिक शॉट दिखाता हूँ आपको, फिर मिलते हैं। ऑल राइट गाइज, फाइनली पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। सबसे पहले इसका फाइनल रिजल्ट की बातें करने के पहले अमन शूट कर रहा है, थैंक यू सो मच। वहाँ पर जस्सी है, उसको भी दिखा दो कैमरे में, थैंक यू भाई। इन तीनों ने इतनी अच्छी मेहनत करी, इन तीनों ने मतलब हम तीनों ने, और इतने डिटेलिंग से काम हुआ है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मार्केट में हम गए थे, कहीं भी 2000 रुपये से कोई भी कम नहीं बोल रहा था। और 2000 रुपये क्या, मैं 3000 रुपये दे देता, बट एक ही चीज़ लोग बोल रहे थे, क्रोम पे गारंटी नहीं है करने की। अब ये जो लुक है ये अगर 7 दिन भी चलता है ना तो मुझे 100 रुपये का, 100 से 150 रुपये का स्प्रे आता है, ये भी अभी आधा ही खत्म हुआ है। तो मतलब मैं इससे 20 बार कर सकता हूँ 2000 रुपये में। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, रिजल्ट आपने देख लिया। मैं यही चीज़ चाह रहा था यार, एक तो क्या लोग इसको इतना देख के जाते थे कार को, और फिर हर कोई सामने वाला इतनी बड़ी सी मारुति की बैजिंग पे देखता था और फिर आगे निकल जाता था। अब जो ये लुक आ रहा है DRLs के साथ, कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। लुक्स कैसे लग रहे हैं गाइस जेन्युइनली मुझे कमेंट में बताना। बिफोर एंड आफ्टर के शॉट्स आपने देख ही लिए होंगे। यही था आज की मॉडिफिकेशन वीडियो जिसकी मैं इतने टाइम से इंतज़ार कर रहा था। और भी मॉड्स जल्दी करने वाले हैं, हॉर्न अपग्रेड कराएंगे, हुआ तो सायरन भी लगवाएंगे, हेडलैम्प्स अपग्रेड कराने वाले हैं, धीरे धीरे मॉडिफिकेशंस लाएंगे, बट यूनिक मॉडिफिकेशंस करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के साथ।